हेलो गाइस, आज मैं आश्रय इस बार लाइट नॉवेल का वॉल्यूम 8 का चैप्टर 7 का पार्ट 2 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में ग्लोरिया अपने रूम में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसी रूम में पहले से कोई और है। वो और कोई नहीं, वो इसाबेला होती है, ग्लोरिया की मदर। तो ग्लोरिया मन ही मन सोचती है कि ये इसाबेला के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि बिना किसी को बताए किसी के भी रूम में वो आ सकती है। कोई भी एग्जीक्यूटिव में इतना पावर होता है, लेकिन अगर वो लोग चाहते तो फिर वो ग्लोरिया को कब का एलिमिनेट कर चुके होते। ग्लोरिया को यहाँ तक कि आश्रय से भी बाहर कर सकते थे, जान भी ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं लिया कि कोई बाकी एग्जीक्यूटिव इसके खिलाफ थे, और शायद ये ग्लोरिया को पता था। तब ग्लोरिया इसाबेला की तरफ देख कर बोलती है फाइनली, अच्छा तो यहाँ कैसे आना हुआ। तभी इसाबेला बोलती है, क्या एक मॉम को अपनी बेटी को देखने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत है या कोई रीज़न की ज़रूरत है? यह सुनकर ग्लोरिया बोलती है, अच्छा। तभी इसाबेला बोलती है कि तुम मानो या ना मानो, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी ग्लोरिया मन ही मन सोचती है कि हाँ, एग्जीक्यूटिव होने के लिए इसाबेला को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर वॉर्चर किया जाता है। किसी को भी एग्जीक्यूटिव होने के लिए, मतलब उन लोगों को बस एक मशीन चाहिए, कोई इंसान नहीं, तो इंसान को ही मशीन टाइप का बनाया जाता है। लेकिन ग्लोरिया को अंदर ही अंदर पता होता है कि उसकी मम सच में उससे प्यार करती है। तब ग्लोरिया बोलता है, हाँ मुझे पता है, और मैं डैड से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करते हैं। ये सुनकर इसाबेला बोलती है कि हाँ काफ़ी बढ़िया बात है, और ये सब लोग सच ही बोल रहे होते हैं। तभी ग्लोरिया बोलती है कि अच्छा तो आप ये बताइए कि आप यहाँ पर आए क्यों हैं? तभी इसाबेला बोलती है कि नहीं, यहाँ पर तुमने जो अनाउंसमेंट किया है या फिर तुमने वो सब किया है उससे कोई गलत चीज़ नहीं बोलूँगा, मैं बस यहाँ आया हूँ तुम्हारा मोटिव जानने के लिए, तुम असल में क्या करना क्या चाहती हो। तभी ग्लोरिया बोलते हैं, और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं आप लोगों को सच बता दूँ? ये सुन के इसाबेला बोलती है, हाँ ऑब्वियसली तुम मुझे बताओगे, क्योंकि तुम चाहते हो कि हमें पता चले, ताकि हम वही पाथ पे आए जहाँ पर तुम हमें चाहते हो, मतलब तुम्हारा प्लान के हिसाब से सब हो। तभी ग्लोरिया मन ही मन सोचती है कि इसाबेला हमेशा से ऐसी ही रही है, मतलब वो लोगों की दिमाग पल लेती है मानो। तभी ग्लोरिया बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताऊँगी, लेकिन सब नहीं, ना ही मेरा गोल बताऊँगी, ना ही मेरा मोटिव बताऊँगी, बस कुछ पत्ते बताऊँगी। तभी इसाबेला काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। इसाबेला बोलते हैं, हाँ बताओ क्या पत्ते बताओ। तभी ग्लोरिया बोलते हैं कि तुम लोग मुझे उस प्रोफेसर से मिलने के लिए रोक क्यों रहे हो? आखिर क्या है उस प्रोफेसर में जो ट्विलाइट इंसिडेंट में वो है ना? यहाँ तक कि है नहीं, शायद उसी ने ही किया है। यहाँ तक कि बस इतना ही नहीं, वो आस्तरिक से बिलोंग करता है और गैलेक्सी में, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने एक ऐसा ओवरलक्स बनाया जो खुद का खुद सोच सकता है। वार द वर्ड हाउस। ये सब सुन के इसाबेला बोलती है कि पहले तुम मुझे ये बताओ ये सब तुम्हें कैसे पता? तभी ग्लोरिया बोलते हैं, तुम शौक हो ना कि मैं ये बात कैसे जानता हूँ जो सिर्फ गैलेक्सी के हायर एग्जीक्यूटिव को ही पता है? तभी ग्लोरिया बोलते हैं, क्या गैलेक्सी को इतना नहीं पता कि उस ट्विलाइट इंसिडेंट में जो बंदा जो स्टूडेंट किया था उस ट्विलाइट को, उसके साथ वार द वर्ड हाउस भी थी, वो उसे इन्फ्लुएंस कर रही थी या मदद कर रही थी वो नहीं पता, लेकिन वो थी। और गैलेक्सी अभी तक वार द वर्ड हाउस को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो एक ऐसा होगा अलग से जो खुद का खुद सोच सकता है, किसी का भी ब्रेन वॉश कर सकता है। हमें पता नहीं कि इस दुनिया में कितना ज़्यादा एक्सीडेंट इंसिडेंट किया है उसने अभी तक। और हाँ, आपका सवाल मुझे ये सब कैसे पता, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सब मुझे इसीलिए पता है क्योंकि आपने मुझे ये सब बताया। ये सुनकर इसे बोला शौक होगी, काफ़ी मतलब अनईजी फील करने लगी, मीनिंगलेस फेस बनाने लगी। और ये पहली बार ग्लोरिया इसाबेला की तरफ देखती है और काफ़ी शौक होती है खुद भी कि इसाबेला भी ऐसी सोच सकती है। तभी ग्लोरिया अपने आप को करेक्ट करते हुए बोलती है कि क्योंकि आपने मुझे ये पेंडोरा दिया था। अब ये सब पूरा सुन के इसाबेला बोलती है कि वाह, तुम तो उससे भी कहीं ज़्यादा डेंजरस हो जैसा हम लोगों ने सोचा था। तभी ग्लोरिया बोलती है कि ही ही ही, आपको अभी पता चला? तभी इसाबेला बाहर जाती हुई बोलती है कि मैं होप करती हूँ कल की मैच तुम हार जाओ। तभी ग्लोरिया बोलती है कि ऐसा मत होप कीजिए, क्योंकि कल के मैच में मैं जीतने ही वाली हूँ, इतना दूर आई हुई, हारे हुए वापस नहीं जाने वाली। और तभी ग्लोरिया बोलती है कि वो जब सपना देखती है कि सपने में वो हज़ार पार मरती है, आप लोगों को पता ही है पेंडोरा का यही पावर है, हर दिन सपना जब तुम देखोगे अपने आप का मौत देखोगे, उस एक सपने के लिए एक सेकंड शायद मिलेगा, तो उस सपने को जब तुम मतलब उठोगे सपने से, तब तुम्हें उस सपने का कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, ग्लोरिया थोड़ा बहुत चीज़ याद करके उस सभी को एक साथ मिला के कंक्लूजन में आई है। हालांकि फ्यूचर कोई परफेक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये बस थोड़ा सा मतलब चांस है कि ऐसा भी हो सकता है। अब इसाबेला चली जाती है दूसरी तरफ से साया के पास जाती है, जहाँ पर साया अपनी न्यू ओवरलक्स के ऊपर काम कर रही होती है, आई टू भी होती है। आई टू बोलती है कि साया हम लोग को रेस्ट लेना चाहिए,
कम से कम तुम थोड़ा सा सो लो, आप टाइम लेट हो रहा है यार, हमारा मैच है दोपहर के 2 बजे, तो रेस्ट लेना जरूरी है। तभी सहायक होती है, हाँ लेकिन मेरा ये काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से टीम को कोई नुकसान पहुंचे। वैसे ये काम ऑलरेडी पहले हो जाना चाहिए था, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि टीम हेलियन ने हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया था। तभी साहब बोलते हैं आयटो क्या तुमने अभी उस बारे में कुछ सोचा था? आयटो बोलते किस बारे में? तभी साहब बोलते फ्यूचर के बारे में, मतलब जब हार्ड उठ जाएगी और हम लोग इस टूर्नामेंट को जीत जाएंगे उसके बाद। तभी आयटो ऑनेस्टली आंसर देता है कि मैंने अभी तक उस बारे में कुछ नहीं सोचा। तभी साहब बोलते हाँ मैंने ये सोचा था कि तुम यही बोलोगे, लेकिन तभी आयटो बोलता है कि लेकिन तुमने क्या सोचा? तभी साहब बोलती है कि वैसे मेरा रीज़न तो यही था कि मैं आसरिस में आके अपने फादर की ओगलेस को शो करूँ, लोगों को दिखाओ कि कितना बढ़िया, और मेरा वो गोल हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अभी के लिए मेरा कोई गोल नहीं है, लेकिन मैंने कुछ एक आइडिया है मेरे मन में। खैर ये देखो, और ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है, उसकी ओगलेस फाइनली कंप्लीट हो चुका है, और इधर ही वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर यह सिर्फ होते हैं इनका नेक्स्ट पार्ट आने के बाद आएगा। और हाँ यार, रीजन ऑफ द सेवन स्पेल बिल्डर्स का लेटेस्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं अपना एक नया डिवाइस खरीदा हूँ यार, और मेरा ओल्ड डिवाइस से सब कुछ न्यू डिवाइस में शिफ्ट करने के लिए काफ़ी टाइम लग गया। वैसे होप करता हूँ कि उसका अगला एपिसोड आने से पहले वो पहला वाला एपिसोड में एक्सप्लेन कर दूँ, नेक्स्ट वीक को शायद आ जाएगा। तो हाँ, फिर मिलता है अगले किसी वीडियो में। तिलन बाय, सी या।